सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ओके, अभी हम सकेता के आए हैं क्योंकि मैं अभी अदिति के घर पे बैठा हूँ एंड मैं बहुत सारा सामान लेकर आया हूँ। और जैसे कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा, ये है बिहाइंड द सीन पिंक पैनम वीडियो के। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अच्छे से शूट करूँ क्योंकि आज की वीडियो में अकेले खाली अदिति शूट नहीं कर रही है, उसके साथ मैं भी शूट कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छे से ब्लॉग शूट कर पाऊँ, पर मैं इतना अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा क्योंकि मैं अपने ही ब्लॉग से शूट करूंगा एंड डांस कवर भी हम अपने फोन से शूट करेंगे। सो अभी ये गोलंडा आ गया। तो अभी गाइस हमको तैयार होना है। अभी कितने हो रहे हैं? अभी 10:30 हो रहे हैं। हमको 12:30 बजे तक जहाँ हमारी एकेडमी है हमको वहां तक पहुंचना है। चलो मैं तैयार होता हूँ, हम तैयार होते हैं आपको सीन। ऐसे कांड हो गया, मैं इतना सारा सामान उठा के लाया, बस मैं एक चीज में सामान भूल गया जाना, मुझे वापस घर जाना पड़ेगा और उस सामान को लाना पड़ेगा। मैं तेरे नाचने से ही वॉच टाइम लेता हूँ, तेरे नाचने से ही वॉच टाइम मिलता है मुझे। ये देखना इसका नाना लटक रहा है। गाइस हमेशा की तरह अदिति अपने सामान ढूंढ रही है, क्यों ढूंढ रही है क्योंकि उसको मिल नहीं रहा है। वो कभी अपने सामान संभाल के रखती, मेरे को परेशान करता हर एंड टाइम। ओ ये कहाँ पे है? अभी खुद भी तो भूल के आई थी ना तू। हाँ आंटी जी, मैं तो कभी कभार मैं भूल के आ गया था, इसका सामान मिलता नहीं है। दिखा बैन उल्टा तो नहीं लगा दिया तुमने? मैंने भी लाइट लगा लिया, पर मुझे नहीं कंट्रोल हो रहा कि भाई आप पे सूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चलना होता है, उल्टा लेंस लग गया। मुझे श्योर नहीं है कि मेरे यहाँ पे सूट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत अजीब लग रहा हूँ। माय गॉड, ये क्या कर दिया मैंने। मेरे लेंस काफी लाइट है। और पहले जब मैं लगाए थे तो मुझे बहुत अजीब लग रहे थे कि मैं अजीब लग रहा हूँ, क्या हो गया मेरे के साथ। लेकिन नहीं, ये सही है, लग रहे हैं मेरे। ये छोटा नहीं, 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 नहीं। मैं जल्दी से तैयार होता है, अभी कुछ ज्यादा ही बच्चे रहते हैं। मेरे, 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 मैंने यहाँ पिन रखी थी। अभी मेरा मेकअप तो खत्म हो चुका है, पर अभी अदिति का मेकअप हो रहा है। अदिति का मेकअप शो किया जाए। एंड मेरे बैंग थोड़े छोटे कट गए हैं तो मुझे उसकी थोड़ी इनसिक्योरिटी की नाश्ता थे, वो पढ़ना पहुंच जाए। मेरी रेडी हो चुकी है एंड गाइस यहाँ पे देखो मैंने मुंह धोया है। आज मैं फुल्ली रेडी हो गया हूँ। मैं सोचा मैं लिपस्टिक थोड़ी सी और डार्क कर लेता हूँ। ये 200 रुपए मेरे पास में रखा। मैं यहाँ से मिलता हूँ क्योंकि हम निकलते हैं, क्योंकि मेरे पास 12:30 का टाइम तो 12:30 हो चुके हैं। यहाँ से अब निकल गए। वैसी है वो, उनकी अकेडमी। ये रही आंटी जी, ये रही अदिति। चलो जवानी मेकअप आर्टिस्ट जिन्होंने हमको बड़ा ही सुंदर सुंदर बना दिया। अंदर भी बोर्ड लगा रहता है इन अकेडमी का। मेरे बच्चे मेरी हेल्प करवा रहे हैं। भैया ने अकेडमी काफी प्यारी बना रखी है। वाह, ये है भैया जो जिनकी अकेडमी है। अगर ऐसे करोगे ना तो उसको एक्सपोजर लॉक करो, सामने आने पर दोनों।
पहले शूट है, बाकी हमने आधा पार्ट शूट कर लिया है। एंड जिस एकेडमी में हम शूट कर रहे हैं वो इन भैया की वजह से है, एंड इन हमारी बहुत मदद कर रहे हैं शूट में, एंड इन यहाँ तक कि हमारा कैमरा भी संभाल रहे हैं, तो थैंक यू सो मच भैया। और गाइस अगर आपको इनकी अकेडमी में आना हो ना तो मैं आपको एड्रेस दे दूंगी जब हम शूट करेंगे, एंड डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं एड्रेस सेंड दे दूंगी, अवंतिका में इनकी अकेडमी, तो आप आ सकते हो। एंड काफ़ी अच्छा डांस सिखाते हैं, मेरे को तो बहुत पसंद आया, ये बहुत स्वीट भी है, तो अगर आप आना चाहते हो तो उसमें आ जाना। कॉस्ट्यूम में चेंज कर लिया है, ये मेरी सेकंड कॉस्ट्यूम, एंड ये अदिति अदिति दिखा रहा हूँ, ये है अदिति की सेकंड कॉस्ट्यूम। डांस एकेडमी अवंतिका में आज हम घर पे आ चुके हैं, हमने वीडियो देखी है, नहीं दिखा रहे दीदी, हमने वीडियो देखी है, हमारे काफी सारे पार्ट अच्छे भी है, काफी सारे में मैं अपने पार्ट में ऐसे कि यहाँ पे मैं थोड़ा अच्छा कर सकता पक्के कर दीदी का, तो अपना उसका बेस्ट है, और बेस्ट नहीं थोड़ा सा है और अच्छा हो सकता था। हाँ मतलब देखते हैं वो जो पूरी वीडियो जो बनके रेडी होगी, इनफैक्ट मे बी शायद से मैं ये वीडियो तब डालूं जब मैं वो डाल चुकी होंगी, जो भी है हमारे चैनल में से देखते हैं किसके चैनल पे डलेगी, इसके चैनल पे डलेगी, जो भी होगा देखा जाएगा। बाकी का आज ही वीडियो को देखते हैं। I got broads in Atlanta, she took the lean, the fat, credit cards and the scams, ain't no licks in the back.